क्योंकि कल है तृप्ति का बर्थडे। 50 बार इधर से उधर, उधर से इधर करके ना देखे ना, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुकृति ब्लॉग्स में। तो आज खाने में बन रही है बथुए की पूरी। तो जैसा कि ये बन चुकी है तो अभी मम्मी को देती हूँ। तो ये रेडी हो गई है गर्मा गर्म पूड़ियाँ चटनियों चटनी के साथ। तो चले करते हैं नाश्ता। तो आ गई है मेरी बारी नाश्ता करने की। और दोस्तों सिर्फ एक यही टाइम होता है जब हम चैन से नाश्ता करते, देखो बिल्कुल हल्ला नहीं है। वैदिक गया स्कूल, सैलिस हो गया, तो सुबह का नाश्ता हम आराम से करते हैं। सबसे ज़्यादा हौचपौच जो होती है हमारी खाने में होती है रात को, बहुत ज़्यादा हौचपौच जाती है कि खाना भी खाना है, बच्चों का सोने का टाइम भी हो जाता है, तो कभी रोते भी हैं, वो भी करते हैं, मतलब साथ साथ। ये सबसे मतलब सुकून भरा टाइम होता है नाश्ता करने के लिए। ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। ये मेरी कैट, मैं दिखाती हूँ सामने से, मिरर में ठीक से दिख नहीं रहा। शैला 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 बाबू दिखा दे एक बार, ले 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 एक बार। तो बिल्कुल नन्नू की कॉपी लग रही है। आज जब पहली बार बनाई थी ना वैदिक को स्वेटर, बिल्कुल ऐसी लग रहा था। पर दिक्कत ये कि एक सेकंड के लिए भी नहीं रहने देती है, एक सेकंड भी नहीं। क्यों निकाला ये? हाँ अब क्या पहन लेगा तू, पहन लेगा खुद से? ला मम्मी पहनाएगी। सो हो गया है लंच का टाइम और आज लंच में बने हैं कड़ी चावल। और कैमरा खोलती सहेली मेरे पास, क्या क्या क्या? हमेशा जो हमारी कड़ी बनती है ना वो छाछ की बनती है, जो छाछ मिलती है पैकेट में। लेकिन आज जो मैंने कड़ी बनाई है वो छाछ और दही मिलाकर बनाई है, इसलिए इसका कलर थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है। लेकिन यस, ये कड़ी ना खाने में ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। कल मैं लेके आई थी वैदिक को, आज मैं लेके आई हूँ सैली को, और कल मैं पूरे परिवार को लेके आऊंगी। क्योंकि कल है तृप्ति का बर्थडे, 24 नवंबर। सो दोस्तों कल सबकी पार्टी यही होगी। अब अभी मैं खा रही हूँ बर्गर, मुझे मिल गई पार्टी। मटर खा रही हूँ मुझे। और अभी यहाँ बैठे हैं मामू। हेलो, बाल कैसे कर रखे तूने? अरे वो अभी बाहर से है, बाहर से अच्छा बाल उड़ रहे हैं अभी। हैं बाल नहीं रहे, वो हेलमेट पहना हुआ है ना। अच्छा हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है। बाबू पानी करना, ये देखो जलन। अच्छा इसको पा करना है, कह रही बात बेटा। हम लोग कॉम्पिटिशन में आ गए, तुझसे वो चुप नहीं होएगी। सानवी का हाथ तो लगा था, तभी तो सैली जो है अपने आप सीढ़ियां चलने लग गई है, नीचे से चल के आई है। ये हम पहुंच गए हैं घर। बेटा ऊपर नहीं जाना, देखो 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 सुदेव सैलू। राधिक देख रहा है कलर्स वाली आइसक्रीम। और सैली देखो घर आती बैठ गई है पूजा करने के लिए दादी के साथ। सैली को पूजा करने में सही में बहुत मजा आता है। चलो तो सैली और दादी तो कर रहे हैं पूजा, और आप क्या कर रहे हो? मैं पी रहा हूँ यहाँ पे पानी, यानी कि थोड़ा सा भूख लगी, ग्लूकोज पानी है ना। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, मतलब जब भी पूजा होती है ना, जब भी घंटी बजती है तो सैली बिल्कुल पहुंच जाती है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है शांत रहती है, शांत रहती है, लेकिन वहाँ पे शांत रहती है सही में। तो मुझे लग रहा है सबको यहाँ पर जैसे परेशान करते करेगी ना, सबको पूजा करने बैठ जाना चाहिए ताकि थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाए। हाँ जोर दो भोलेनाथ जी को जय। चलो तो ये बहुत टाइम बाद आज फाइनली शुभ मुहूर्त निकला है इन फोटोज का, है? हाँ ये बात तो है भाई, ये शुभ मुहूर्त मैंने निकाला आज। हाँ क्या है कि 1 मिलियन की जो पार्टी हुई थी वो हुई थी 22 जनवरी थी। हाँ। और उसकी फोटो हमने देख तो ली थी लेकिन सिलेक्ट करके देनी थी, तो आज सिलेक्ट करके दे रहे हैं, काफी टाइम हो गया एल्बम के लिए, इतना बिजी शेड्यूल है क्या करें भाई। दूसरा जो ईशानी का बर्थडे हुआ था, नहीं सैली का जो बर्थडे हुआ था, उसके लिए हम फोटो सिलेक्ट करके दे रहे हैं, तो 2-3 दिन में एल्बम बन के आ जाएगी। सो की आ जाए एक हफ्ते के अंदर जाएगी, फिर देखते हैं। फिलहाल ओ मैया शैलू की फेवरेट जगह, गिरना मत बेटा। तो हो गया इवनिंग टाइम और अभी हम आए हैं बालकनी में, और पापा यहाँ चाय का एंजॉय ले रहे हैं इसमें है। बालकनी में और अच्छी लग रही है, और यहाँ पे इतना उजाला मुझे लग रहा है ना, अंदर से भी ज्यादा उजाला यहाँ पे रहता है ना, लाइट है मम्मी। हाँ? अंदर से भी ज्यादा लाइट रहती है यहाँ पे। दोस्तों
जैसे हम चीजें सेट कर लेते हैं, लेकिन जब तक उसको 50 बार इधर से उधर उधर से इधर करके ना देखे ना, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि वो चीज कहाँ अच्छी लग रही है। जैसे कि पाम ट्री यहाँ रखा हुआ था, सबसे पहले हमने अंदर रखा हुआ था लिविंग एरिया में, लेकिन वहाँ पे क्या है मतलब अभी सर्दियों का टाइम है, सोचा अभी धूप वूप नहीं मिलेगी इनको, इसलिए बाहर रख दिया। अब उठा के इसको वहाँ रख दिया हमने लास्ट में। पहले दिखाती हूँ यहाँ से, पहले पाम ट्री यहाँ फ्रंट पे था, इसकी वजह से ना ये कोई सा भी पौधा नहीं दिख रहा था, तो अब हमने पाम ट्री लास्ट में रख दिया और अब यहाँ सारे पौधे दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा शू रैक जो पुराना था, उस घर में बाहर पड़ा हुआ था, जिस वजह से खराब भी हो गया। आगे से तो फिर भी इसकी कंडीशन अच्छी लग रही होगी, लेकिन पीछे से काफी खराब हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मेकओवर किया जाए। जैसे कि ये वाला ये वॉलपेपर बचा हुआ था काफी सारा जो हमने इस पे लगाया था, तो ये मैं अब इस पे लगाने वाली हूँ, उसके बाद इसको अपने बेडरूम में लगाने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो पापा की हेल्प से होगा ये काम पूरा। बिल्कुल। हाँ सो दोस्तों आप देख सकते हैं आधा तो ये काम हो चुका है हमारा, और अब हमें करना है मेन यहाँ के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ये दिखाती हूँ मैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब हमारे पास सिर्फ कुछ टुकड़े टुकड़े बचे हैं, तो अब बस ये टुकड़े टुकड़े हम इस तरीके से सेटिंग करके लगाएंगे कि पता नहीं चलेगा, कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं। चलो इसको चिपकाते हैं अब। बस तो हमारी मेहनत रंग लाई और हमने फाइनल कर लिया है, और ना हम जहाँ इसको लगाने वाले हैं वहीं लगा के आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। फाइनली अभी काम करके मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, थोड़ा काम में बिजी था, तो मैं जैसे ही आया अंदर मतलब रूम में, तो मैंने देखा कि थोड़ा सा डेकोर कर रखा है अंजलि ने। अंजलि भी आ गई यहाँ पे। हाँ मैं तो बोल रही थी, तो उस टाइम बिजी थे, काम कर रहे थे तो आ नहीं पाए थे देखने। मैं कोई नहीं बाद में देख लेना लास्ट में। देखो आपके मोबाइल रखने की स्पेशल जगह बना दी मैंने। अच्छा चलो भाई देखते हैं, दिखाते हैं स्पेशल जगह। वैसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे काफी ज्यादा, ये दिखाता हूँ मैं। अच्छा लग रहा है, जैसे मतलब कोई चीज हमारे यूज में नहीं है, और फिर वो मतलब उसको थोड़ा हम मतलब कुछ करें, उसे मतलब रेनोवेट करें, उसे थोड़ा सजाएं, तो अच्छा लगता है ना। हाँ काफी टाइम से ऐसे बड़ा। वो सैली महारानी को देखो, देख रहो देख रहे, चाबी लगा रही है, इसको सब पता है भाई। इससे अपनी तिजोरी दूर रखनी पड़ेगी आपको, पता चले तिजोरी में चाबी अभी लगा के सरक जाए हैं। हाँ सरक जाए, पता चले लेके भाग जाए अभी अपने वहाँ पे ससुराल में। बोल ओ देखो, बस देखो उसको लग रहा है मैंने चाबी से खोला है। हमारा रूम ना वैसे ज्यादा भरा भरा भी कुछ भी नहीं है, पूरे रूम में जो चमकता सा है ना ये बेड है जो रेड कलर का है, ये हटाना पड़ेगा। इसको व्हाइट कर दो, है चमक रहा है, इसको भी वॉलपेपर हटाना पड़ेगा बेड में। नहीं नहीं देखो हमारी अलमीरा भी है ना व्हाइट, और उसके कॉम्बिनेशन में लाइट शेड है। ये फॉल सीलिंग भी हमारी व्हाइट है, ये वॉल, ये मम्मी भी आ गई है। यार देखो कैसा लग रहा है मम्मी, नया अड्डा, ये सालों का नया अड्डा बन चुका है। तो सीधे अंदर डाल देते हैं, चिड़ियाघर का मालिक। अरे चिड़ियाघर से याद आया है मम्मी, चिड़ियाघर से याद आया, आप कह रहे थे ना चिड़ियाघर जाना है, चिड़ियाघर जाने के लिए बोल रहे थे ना आप। देखते हैं चिड़ियाघर। वैसे हमारे घर में कमी नहीं है जानवरों की, सारे जानवर हैं, सारे चिड़ियाघर तो यही हम है। हम नहीं ये चिड़ियाघर वैसे है, ये नकली है, वहाँ नकली होंगे। तो उनको कौन सा अपना हाथ लगाते हैं, वो देख नहीं आया, हाथ नहीं लगाना, कम से कम देखेंगे तो असली है वो। घर के नीचे हमारे कुत्ते कितने सारे। सो दोस्तों मम्मी को जाना है चिड़ियाघर, और मम्मी कह रही थी 2-3 दिन से कि चिड़ियाघर जाना है, तो अभी प्लान बन रहा है कि संडे को जाएं। वैसे मम्मी वहाँ चलना बहुत पड़ता है, देखो संडे तो पता नहीं कहती है ना मोड़। नहीं हाँ अगर हम नहीं चिड़ियाघर जरूर लेके जाएंगे मम्मी को, चिड़ियाघर नहीं तो कहीं ना कहीं तो लेके ही जाएंगे, है ना। तो देखते हैं, तो फाइनली जैसा भी डिसाइड होता है ना। दोस्तों आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। ऐसे ऐसे हंसा कर बेटा, बाय।